जी हाँ, तो अगर कटरीना मां नीतू के सारे डिमांड्स पर खरी उतरती हैं तो रणवीर की दुल्हन बनने से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। फिलहाल शादीवादी की चिंता छोड़ रणवीर अभी बेशर्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। भारत में तो रणवीर अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन भारत के बाहर भी रणवीर की फैन फॉलोइंग कम नहीं है। न्यूयॉर्क में जब रणवीर पहुंचे तो उनके फैंस इस बेशर्म को अपने बीच पाकर काफी खुश हो गए। रणवीर ने और कहां कहां बेशर्म का बनकर प्रमोशन किया, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड के सबसे बड़े बेशरम से, ये इनकी फिल्म का नाम ही नहीं जना, बल्कि ये खुद भी काफी बेशरम। इनसे जो कहा जाता है बड़ी बेशर्मी से उसे कर भी लेते हैं। मौका था फिल्म बेशरम के प्रमोशन का, रणवीर जहां जाते हैं अपनी बेशर्मी दिखाते हैं। किसी ने कहा बेशर्म डांस कर दो, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर इन्होंने डांस भी करना शुरू कर दिया। जरा देखिए तो रणवीर कैसे पब्लिक की तरफ पीछ कर डांस कर रहे हैं। रणवीर का ये करना था कि वहां की पब्लिक रणवीर का ये एक्ट देखकर काफी खुश हो गई। मुंबई से सीधे रणवीर पहुंच गए जयपुर। यहां जब रणवीर स्टेज पर पहुंचे तो उन्हें देखकर लड़कियां तो जैसे मानो बेकाबू ही हो गई। सबकी एक ही डिमांड थी कि रणवीर अब से एक बार उनके साथ डांस कर ले। अब ये बेशर्म करने पहुंचा था बेशर्मी, और इसने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। अपने ही फिल्म के गाने पर इन्होंने जयपुर की जनता के साथ खूब रज के डांस किए। लोगों का मनोरंजन भी हुआ और फिल्म का प्रमोशन भी। इसके बाद रणवीर पहुंच गए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर न सिर्फ इन्होंने अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई, बल्कि अपनी फिल्म को प्रमोट भी किया। देखिए रणवीर को देखते ही वहां के फैंस किस कदर अपने सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए बेताब हो गए। रणवीर ने हालांकि किसी को निराश नहीं किया और अपने फैंस के लिए खूब डांस किया। फिल्म के प्रमोशन में रणवीर का पूरा परिवार जुटा है। पल्लवी शारदा भी रणवीर के साथ प्रमोशन में नजर आई, लेकिन रणवीर के आगे पल्लवी शारदा को किसी ने पूछा तक नहीं। बेशर्म इसे अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। ये जवानी है दीवानी की सक्सेस के बाद रणवीर इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, इसलिए टीवी के सारे रियलिटी शोज में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले वो पहुंचे झलक के सेट पर, जहां उन्होंने खूब तड़का लगाया। दिल न लगाना ओ दीवानो, ये मेरी उम्र के नौजवानो, दिल न लगाना ओ दीवानो, मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई, पर झूठ तो कहते नहीं। इसके बाद कपिल के सेट पर उन्होंने तड़का लगाया, कभी डांस करके ग्रैंड एंट्री ली। तो कभी सच पर ही दूल्हा बनकर शादी रचा ली। जब यहाँ प्रमोशन हो गया तो रणवीर ने लिया अमिताभ का सहारा और पहुँच गए केबीसी के सेट पर। रणवीर के प्रमोशन का सिलसिला जारी है। जब तक उनकी फिल्म रिलीज नहीं हो जाती तब तक उनकी ये बेशर्मी यूं ही चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन 7।